हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफाइन इंग्लिश। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज हम आपको द हिंदू की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के बारे में बताएंगे। अगर आप भी अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली वर्ड मीनिंग रहेगी सप्लीकेट, मतलब होता है विनती करना, जो कि एक वर्ब है। वो खिलौना खरीदने के लिए विनती करती है। शी टेंड्स टू सप्लीकेट टू बॉय द टॉय। शी टेंड्स टू सप्लीकेट टू बाई द टॉय। सप्लीकेट मतलब विनती करना, जो कि एक वर्ब है। वो खिलौना खरीदने के लिए विनती करती है। शी टेंड्स टू सप्लीकेट टू बाई द टॉय। कॉम्पिटेंस मतलब होता है क्षमता, जो कि एक नाउन वर्ड है। सब कुछ हासिल करने की उसकी क्षमता। हर कॉम्पिटेंस टू अचीव एवरीथिंग। हर कॉम्पिटेंस टू अचीव एवरीथिंग। कॉम्पिटेंस मतलब होता है क्षमता, जो कि एक नाउन वर्ड है। सब कुछ हासिल करने की उसकी क्षमता। हर कॉम्पिटेंस टू अचीव एवरीथिंग। हर कॉम्पिटेंस टू अचीव एवरीथिंग। डेलिनिएशन मतलब होता है वर्णन करने की क्रिया, जो कि एक नाउन वर्ड है। उसने नवीनतम मुनाफे का वर्णन किया। शी डिड डेलिनिएशन ऑफ लेटेस्ट प्रॉफिट। शी डिड डेलिनिएशन ऑफ लेटेस्ट प्रॉफिट। डेलिनिएशन मतलब होता है वर्णन करने की क्रिया, जो कि एक नाउन वर्ड है। उसने नवीनतम मुनाफे का वर्णन किया। शी डिड डेलिनिएशन ऑफ लेटेस्ट प्रॉफिट। शी डिड डेलिनिएशन ऑफ लेटेस्ट प्रॉफिट। पर्टेन मतलब होता संबंधित होना, जो कि एक वर्ब है। भूमि महल से संबंधित है। द लैंड पर्टेन टू द कैस्टल। द लैंड पर्टेन टू द कैस्टल। पर्टेन मतलब होता है संबंधित होना, जो कि एक वर्ब है। भूमि महल से संबंधित है। द लैंड पर्टेन टू द कैस्टल। द लैंड पर्टेन टू द कैस्टल। रेमिफिकेशन मतलब होता कठिन परिणाम, जो कि एक नाउन वर्ड है। युद्ध का यह कठिन परिणाम है। वार हैज अ टेरिबल रेमिफिकेशन। वार हैज अ टेरिबल रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन मतलब होता कठिन परिणाम, जो कि एक नाउन वर्ड है। युद्ध का ये कठिन परिणाम है। वार हैज अ टेरिबल रेमिफिकेशन। वार हैज अ टेरिबल रेमिफिकेशन। विलफुल मतलब होता है जानबूझकर, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है। उसने उसे ढकेलने का जानबूझकर प्रयास किया। ही मेड अ विलफुल अटेम्प्ट टू पुश हिम। ही मेड अ विलफुल अटेम्प्ट टू पुश हिम। विलफुल मतलब होता है जानबूझकर, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है। उसने उसे ढकेलने का जानबूझकर प्रयास किया। ही मेड अ विलफुल अटेम्प्ट टू पुश हिम। ही मेड अ विलफुल अटेम्प्ट टू पुश हिम। फोस्टर मतलब होता है पालक, मतलब पालने पोसने वाला, जो कि एक वर्ब है। उसके माता पिता उसके पालक हैं। हिज पेरेंट्स आर हिज फोस्टर। हिज पेरेंट्स आर हिज फोस्टर। फोस्टर मतलब होता है पालक, जो कि एक वर्ब है। उसके माता पिता उसके पालक हैं। हिज पेरेंट्स और हिज फोस्टर। हिज पेरेंट्स और हिज फोस्टर। इनक्रोचमेंट मतलब होता है आक्रमण, जो कि एक नाउन वर्ड है। सैनिकों ने आक्रमण शुरू कर दिया। द सोल्जर स्टार्टेड द इंक्रोचमेंट। द सोल्जर स्टार्टेड द इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट मतलब होता है आक्रमण, जो कि एक नाउन वर्ड है। सैनिकों ने आक्रमण शुरू कर दिया। द सोल्जर स्टार्टेड द इंक्रोचमेंट। द सोल्जर स्टार्टेड द इंक्रोचमेंट। ओवरवेलमिंगली मतलब होता बेहद, जो कि एक एडजेक्टिव है। उसने एक बेहद चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी। शी गेव एन ओवरवेलमिंगली शॉकिंग रिएक्शन। शी गेव एन ओवरवेलमिंगली शॉकिंग रिएक्शन। ओवरवेलमिंगली। अंडरमाइन मतलब होता है कमज़ोर कर देना। वो उसे कमज़ोर करने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू अंडरमाइन हर। ही ट्राइज टू अंडरमाइन हर। अंडरमाइन मतलब होता है कमज़ोर कर देना, जो कि एक वर्ब है। वो उसे कमज़ोर करने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू अंडरमाइन हर। ही ट्राइज टू अंडरमाइन हर।